भारत वर्ष का दिल गांवों में बसता है, जिनमें हमारे देश की लगभग 60% से भी ज्यादा आबादी रहती है। और इस दिल में धड़कन की तरह जो काम करती है वो है देश की पंचायती राज संस्थाएं। आज देश के लगभग 6.5 लाख से भी अधिक गांवों में हो रहे विकास कार्यों और उनकी बदलती तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें इन पंचायती राज संस्थाओं का कितना अहम योगदान रहा है। सन 1993 में संविधान के 73वें संशोधन के बाद महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का वो सपना आज हमारे देश की लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा ग्राम पंचायतें पूरा कर रही हैं। आज देश के सभी राज्यों में हजारों ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिन्हें अपने अभूतपूर्व विकास कार्यों के लिए कई बार पुरस्कृत किया गया है और वो देश की अन्य पंचायतों के लिए एक रोल मॉडल यानी आदर्श पंचायत बनकर उभर आई है। ये फिल्म उन्हें कुछ ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण से होने वाले विकास कार्यों की झलक दिखाएगी और बताएगी कि क्यों आखिर में ये पंचायतें एक रोल मॉडल यानी आदर्श पंचायत कहलाने के लायक बन गई है। संविधान के 73वें संशोधन का सबसे अहम पहलू था देश की ग्राम पंचायतों को अपने गांव के विकास के लिए निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार। इस संशोधन से हर एक ग्राम पंचायत अपने गांवों की तरक्की के लिए 29 विषयों पर खुद निर्णय ले सकती है। एक आदर्श ग्राम पंचायत वही कही जा सकती है जो इन विषयों को ध्यान में रखकर और ग्राम सभा की पूरी सहमति के साथ अपने गाँव के हर वर्ग के नागरिक का चहुमुखी विकास करे। मध्य प्रदेश राज्य के बीचों बीच स्थित है सीहोर जिला, जिसकी लगभग सभी पंचायतें अपने गांवों को इन 4 विकास धाराओं से जोड़ रही हैं। इच्छावर ब्लॉक में स्थित ऐसी ही एक ग्राम पंचायत है थूना कला। हमारा जो पुराना पंचायत भवन है उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी, ना तो वहां पर नेट था, ना कोई सुविधा थी, ना बैठने के लिए ठीक से चेयर थे वहां पर। एक दिन हमारे यहाँ ग्राम सभा की मीटिंग रखी गई, जो आम सभा होती है उसके लिए हमने मीटिंग रखी और सभी लोगों से चर्चा की इस विषय में कि हाँ, हमारा जो ग्राम पंचायत है वो अच्छा होना चाहिए, बढ़िया, मतलब नंबर 1 पे होना चाहिए, उसके लिए हमने प्रस्ताव दिया। पंचायत के अथक प्रयासों का परिणाम है ये भव्य पंचायत भवन, जिसमें सरपंच, सेक्रेटरी और मेहमानों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। पंचायत पूरी तरह से इंटरनेट की सुविधाओं से जुड़ी है और गांव के लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को 42 इंच के टीवी पर देख सकते हैं। इसके माध्यम से हम ग्राम पंचायतों के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ सभी कर्मचारियों से भी जिले से सीधा संपर्क कर सकते हैं, एवं जो लोगों की शिकायतें या अन्य कोई काम हो उनको भी ICT के माध्यम से सीधा उसका सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। समस्त ग्राम पंचायतें जो भी निर्माण कार्य उनके ग्राम पंचायत में होते हैं या दूसरे अदर वर्क्स होते हैं या किसी अन्य योजना में जब लाभ प्रदाय किया जाता है तो उसके फोटोग्राफ्स फेसबुक में अपलोड करते हैं, जिसको कि मेरे द्वारा उनकी समीक्षा फेसबुक के माध्यम से भी कर ली जाती है। और यह फेसबुक में अपलोड करने से आम जनता को भी ग्राम पंचायत के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है उससे अवगत हो जाती है। थूना कला ग्राम पंचायत में होने वाले सभी निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी सरपंच, सेक्रेटरी और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सिविल इंजीनियर की होती है। ये सिविल इंजीनियर सभी निर्माण कार्यों का निरीक्षण तथा सुपरविजन करते हैं, ताकि कार्यों में कोई भ्रष्टाचार की आशंका ना रहे तथा पूरी पारदर्शिता के साथ सभी कार्य तय अवधि में पूरे किए जा सके। थूना कला से कुछ दूरी पर ग्राम जमुनिया टैंक का विद्यालय अपने आप में एक आदर्श विद्यालय है। विद्यालय की अच्छी खासी इमारत के अलावा इसमें आंगनबाड़ी केंद्र, छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र, मध्यान्ह भोजन का शेड और साफ सुथरे माहौल में बच्चों के शिक्षण का प्रावधान है। स्कूल के बाद एक पुराने भवन में पंचायत द्वारा पुस्तकालय भी चलाया जा रहा है। विद्यालय की खास बात यह है कि इसके साथ में ही आसपास के गांवों की बालिकाओं के लिए एक हॉस्टल भी है, जिसमें रहने और खाने की मुफ्त में व्यवस्था की गई है। ग्राम सभा की बैठक में निर्णय के बाद विद्यालय में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अनूठी स्कीम निकाली गई है। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए हम भोजन खुद लोग चेक करते हैं
और सुरक्षा के लिए एक डब्बे में डाल दिया जाता है। उस डब्बे को आज से लेकर कल तक कभी भी आकर कोई भी अधिकारी चेक कर सकता है ताकि कोई परेशानी ना आ पाए। पंचायत भवनों और स्कूलों के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा गांव में आवासीय योजनाओं में बनने वाले भवनों का भी बेहतर ढंग से निर्माण किया गया है और इनमें से ज्यादातर लाभार्थी गरीब और पिछड़े वर्ग के ग्रामवासी हैं। आवासीय योजनाओं में शौचालय और बिजली का विशेष प्रावधान है। सीहोर जिले के सभी गांवों को न केवल पीएमजीएसवाई से बल्कि सीएमजीएसवाई से भी जोड़ा गया है। कुछ साल पहले और आज के सड़कों की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए एक और योजना चलाई जा रही है और ये काफी सफल भी रही है। ग्राम पंचायतों की अधिकांश गलियां कच्ची होने के कारण वहां कीचड़ हुआ करता था, तो अधिकांश गांववासियों की मांग रहती थी कि पक्की रोड बनाई जाए। तो मध्य प्रदेश शासन ने एक नई योजना प्रारंभ की, पंच परमेश्वर योजना। तो पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में गलियों का निर्माण किया गया सीसी रोड नालियों के साथ में। तो सीसी रोड का निर्माण होने से गांव की पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, गांव का परिदृश्य बदला, जिससे वहां पर एक स्वच्छता का वातावरण निर्मित हुआ है। कुछ अरसे पहले गांवों से एक और मांग उभर कर आई और वो था गांवों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ना। थूना कला एक ऐसी ग्राम पंचायत है जो इस योजना से सबसे पहले जुड़ी। विभिन्न बैंकों की अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेज कई ग्राम पंचायतों में खोली गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न बैंकों के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स नियुक्त किए गए हैं जो कि ग्राम पंचायतों में जाकर के वहाँ बैंकिंग की जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनका संचालन करते हैं। वहाँ ग्राम पंचायत में जाकर पैसे जमा भी करते हैं और वहाँ पर पैसों का लेन देन भी होता है और अकाउंट भी ओपन किए जाते हैं। इस तरह प्रत्येक 5 किलोमीटर पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। गांव के स्वास्थ्य केंद्र में सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। गांव के घर घर में शौचालयों का निर्माण हो चुका है। न केवल घरों बल्कि विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी शौचालयों का प्रावधान है। महिलाओं और गांव के वयस्क बालिकाओं के लिए पंचायत भवन में ऑडियो विजुअल द्वारा जानकारियाँ दी जाती हैं। जब हम एक पंचायत की बात करेंगे तो धीरे धीरे उनकी आमदनी का जरिया भी बढ़ना चाहिए। तो लाइवलीहुड मिशन, मनरेगा और वाटरशेड मिशन, इन तीनों में सामंजस्य बैठाते हुए, कन्वर्ज करते हुए, जिनके पास भी ज़मीन है उस ज़मीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीपीएल से लखपति इसमें कार्य हो रहा है। जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको स्किल ट्रेनिंग दे के, जो भी चाहे वो स्वतः का धंधा शुरू करें या नौकरी के लिए, उनके लिए प्लेसमेंट के लिए व्यवस्था की गई है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो पूर्णतः महिलाओं के हैं। हमारे 35,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आमदनी में। ऐसा ही एक छोटा सा समूह है जो लाख की चूड़ियां बनाकर उन्हें राज्य में होने वाले हाट में बेचकर अपना गुजर बसर करती है। समूह में 10 महिलाएं हैं और इनकी महीने की आमदनी करीब 10 से 12 हजार रुपए की है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी गांवों को एक नई योजना द्वारा जोड़े जाने का काम चल रहा है जिसका नाम है समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन। आज थूना कला जैसी ग्राम पंचायतें अपनी जागरूकता और चहुमुखी विकास कार्यों की वजह से पूरे जिले में काफी नाम कमा रही हैं। लेकिन देश के कुछ अन्य राज्यों की पंचायतें ऐसी भी हैं जो अपने अभूतपूर्व कार्यों की वजह से एक आदर्श ग्राम पंचायत बन चुकी हैं। हमारे देश के पश्चिम में स्थित गुजरात राज्य के साबरकंठा जिले की ग्राम पंचायत है पुनसरी। इस गांव को अगर हम एक हाईटेक गांव कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने गांव को सभी सुख सुविधाओं से संपन्न करने में यहां के सरपंच को काफी संघर्ष करना पड़ा और वो इसमें सफल भी रहे। आत्मा गांव की सुविधाएं शहर की, वो हमारा मूल उद्देश्य रहा है। काफी सालों पहले बात इस गाँव की मैं जब आपको बताऊँ तो इस गांव में नहीं तो ड्रेनेज लाइन थी, कहीं छोटे बड़े सीसी रास्ते बने थे, स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी नहीं थी, लोग वैसे ही जिंदगी इस गांव में जी रहे थे। लेकिन गांव में ग्राम पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत के थ्रू गांव में एक डेवलपमेंट होना चाहिए और वो डेवलपमेंट होने की वजह से लोग माइग्रेशन नहीं करे, गाँव में ही लोग जीना पसंद करे, वो भी हमारा एक उद्देश्य था। गाँव की सभी प्रमुख गलियों में CCTV लगे हैं और उद्घोषणाओं के लिए लाउड स्पीकर्स भी लगाए गए हैं।
केवल गांव ही नहीं, यहां पर स्कूलों को भी टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। विद्यालय की हर कक्षा में सीसीटीवी लगे हैं। सबसे खास बात तो ये है कि बच्चों के अभिभावक भी घर पर बैठे ही अपने मोबाइल पर अपने बच्चों की गतिविधियों को देख सकते हैं, क्योंकि पुनसरी के सभी घर फ्री वाईफाई की सेवा द्वारा जुड़े हैं। बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के द्वारा शिक्षण का प्रावधान है और पीने के पानी के लिए एक छोटा आरओ प्लांट स्कूल में लगवाया गया है। सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि पंचायत द्वारा आज पुनसरी गांव के लोगों को भी एक बड़े आरओ प्लांट से स्वच्छ पानी मुहैया करवाया जाता है। गांव के मध्य में एक हाईटेक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जहां महिलाओं और गांव के बच्चों के स्वास्थ्य का खासा ध्यान रखा जाता है। स्वास्थ्य केंद्र में एक छोटी सी लैब है, जहां ग्रामीणों के स्वास्थ्य संबंधी अलग अलग परीक्षण करने की सुविधा है। मरीजों के पंजीकरण और दवाई वितरण के लिए अलग काउंटर बनाया गया है। ग्राम पंचायत ने पुनसरी तथा आसपास के युवा वर्ग के लिए गांव में ही एक खास स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला है, जहां उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स, सिलाई, मेहंदी तथा ब्यूटिशियन आदि का कोर्स करवाया जाता है। साबरकंठा जिले के करीब मेहसाणा जिले के बीजापुर ब्लॉक में स्थित है आनंदपुरा कुक्करवाड़ा ग्राम पंचायत, जो अपने शत प्रतिशत विकास कार्यों की सफलता से अपनी अलग पहचान बना चुका है। ये एक समरस ग्राम पंचायत है, जिसमें पिछले 100 सालों से कोई चुनाव नहीं हुआ है। इस गांव ने शौचालय, बिजली की सुविधा, गलियों में पक्की सड़कें, भूमिगत सीवेज लाइन, संस्थागत प्रसव, साक्षरता, कर वसूली, विद्यालयों में नामांकन, खासकर बालिकाओं के नामांकन के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त किया है। आनंदपुरा ग्राम पंचायत को ई ग्राम विश्व ग्राम योजना से भी जोड़ा गया है, और शायद ये पंचायत के अथक प्रयासों का ही नतीजा है, जो आज ग्रामीणों को सभी जानकारियां पंचायत भवन में ही मिल जाती हैं। पहला पब्लिक ने सामान्य काम है, सातमा ने उतारा लेवा है, मामलतदार कचेरी एटले तालुका कक्षाए, जिला कक्षाए दौड़म दौड़ करवू पड़तुं हतुं। कोई नानी मोटी सबसिडी लेवी हो एना माटे जिला कक्षाए दौड़म दौड़ करवू पड़तुं हतुं। आ बधी ज फेसिलिटी ई ग्राम सेंटर ऊभो थई गई। कोई भी नानू मोटू काम होय, खेती ना लगतुं, कोई सहाय ना लगतुं, એ પંચાયતમાં આવે તો અહીંથી જ એમનું ફોર્મ સબમિટ થઈ જાય, એમના બેંકમાં એકાઉન્ટ ખુલી જાય અને એમને જે સબસિડી હોય, સહાય હોય, સીધી બેંકના ખાતામાં જ જમા થઈ જાય, એમને ગામ બહાર ક્યાં જવાનું રહેતું નથી, ગામમાં ને ગામમાં જ એમને બધી સવલત મળી રહે છે। આનંદપુરા કે ગામ કે વિદ્યાલયમાં શિક્ષણ કે નય તરીકે નિકાલે જા રહે હૈ તાકિ બચ્ચો કો શિક્ષણ કે અતિરિક્ત વ્યવહારિક પ્રશિક્ષણ ભી મિલ સકે। પંચાયત ને વિદ્યાલય કે બચ્ચો કે સ્વાસ્થ્ય પર ભી ખાસા ધ્યાન દિયા હૈ। ઇસ વિદ્યાલયમાં મહિને મેં એક બાર बच्चों के स्वास्थ्य का चेकअप जरूर होता है। विद्यालय में शौचालय और पीने के पानी का भी ध्यान रखा गया है। अपने 100% सफल और गांव की भलाई के लिए किए गए अनेक कार्यों के लिए पंचायत को कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी मिल चुके हैं। खास बात तो ये है कि पंचायत इनसे मिलने वाली इनाम राशि को भी ग्रामीणों की भलाई में ही खर्च कर देती है। અમારા ગામને નિર્મળ ગામ જાહેર કર્યું સરકારે, ભારત સરકારે, એ વખતે અમને રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે એવોર્ડ મળ્યો અને 1,00,000 રૂપિયા રોકડ પુરસ્કાર મળ્યો। એ વખતે પછી મને એવો વિચાર જાગ્યો કે ભાઈ ગામમાં સ્વચ્છતા કાયમી રહે એના માટે આ 1,00,000 રૂપિયામાંથી ઘર દીઠ 2 લીલા અને સૂકા કચરા માટે 2 ડસ્ટબિન આપીએ અને શેરીએ મોટો ડસ્ટબિન લગાવીએ। એટલે પછી અમે ગામ સભા બોલાવી, એટલે ગામ સભાને અમને મંજૂરી આપીને પછી डस्टबिन बबे बबे घर डीट हमें पंचायत तरफ थी आपे। पंचायत ने गांव की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा है और खासकर गरीब महिलाओं के लिए व्यक्तिगत तौर पर छोटे मोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद दी है। मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों की इन ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों और ग्रामीणों को दी जाने वाली सुविधाओं का अगर गौर से विश्लेषण करें तो कुछ मूलभूत बातें सामने आती हैं। इन पंचायतों के सभी कार्य ग्राम सभा के निर्णयों से किए जाते हैं। गांव के बदलाव के लिए सरपंचों की एक अच्छी सोच और दूरदर्शिता है। इस बदलाव के लिए सभी ग्रामीणों की सहभागिता है। सरपंच और सेक्रेटरी को सभी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी है। योजनाओं को गांव में लागू करने के लिए पंचायत सभी कोशिशें करती है। गाँव के विकास कार्यों पर किए गए खर्च की पंचायत द्वारा पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। सभी वर्ग के ग्रामीणों को योजनाओं द्वारा लाभ पहुंचाना और सबसे अहम अपने गांवों के बदलाव के लिए
पूरी मांग करना। एक या दो चीजों से गांव को मॉडल नहीं बनाया जा सकता। गांव में जितने भी सरकारी योजनाएं चलती है, जितने भी सरकार के डिपार्टमेंट है, उसको ग्राम पंचायत के साथ जोड़ना पड़ता है, लोगों का तालमेल लेना पड़ता है। सभी गांव के सरपंचों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी अपने ग्राम सभा में काम करते हैं वो अच्छा काम करे, ताकि हर गांव की तरक्की हो। पर इना माटा खंत ने मेहनत नहीं जरूर है और एकता नहीं जरूर है। यदि आप इंटरेस्ट लेंगे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपका पंचायत भी एक मॉडल पंचायत के रूप में विकसित होगा, जिससे बाकी आपके बगल के पंचायत आपसे सीख ले सके। अगर ये सब कार्य कर ये सभी पंचायतें आदर्श बन सकती है तो आपकी ग्राम पंचायत भी एक आदर्श स्वरूप धारण कर सकती है। जरूरत है तो सिर्फ एक विजन की, और उस विजन को पाने के दृढ़ संकल्प की।